दम से तेज बारिश अचानक से बगैर बताए। आप देख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो जी कैसे हैं आप सब, खैरियत से ठीक ठाक है, तबीयत सही है। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत खुशामदीद है मेरे प्यारे से चैनल जिसका नाम है मोहम्मद फरहान शेख। तो भाई क्या हो रहा है हमारी प्यारी सी बेटी आयशा। तो जी आपको दिख रहा होगा आज हमारी आंखों पे चश्मा नहीं है, और ये क्यों नहीं है, ये है हमारी बेटी की वजह से, क्योंकि ये हमारा चश्मा हमेशा लेती हैं और खेलना शुरू कर देती हैं। इसे नहीं पता कि ये दादी का चश्मा नहीं है, ये पापा का चश्मा है, क्योंकि दादी के पास तो बेताशा चश्मा है और पापा के पास सिर्फ एक ही चश्मा है, और पापा उसके बगैर अंधे हो जाते हैं। तो इसलिए वो चश्मा हमने फ़िलहाल उतार के रखा हुआ है, क्योंकि हम अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। आज का व्लॉग क्या हुआ, तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कराची में मानसून वापस आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ चुका है, और अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे कराची और बारिश का कोई पुराना ताल्लुक सामने आ गया है। ना कराची बारिश के बगैर रुक रहा है, ना बारिश कराची के बगैर रुक रही है, दोनों आपस में चले जा रहे हैं। रोज़ाना आ जाते हैं बारिश कराची में, और इतनी आ जाती हैं कि हमें तंग करती रहती हैं, और इतना तंग करती रहती हैं कि बस हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। बारिश फिर धूप, क्या करें भाई। और ये देखिए जी, एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, सुबह से ये तीसरी चौथी बारी मैं देख रहा हूँ बारिश होती है, फिर सूरज ऐसा निकलता है तपती हुई धूप, फिर बारिश होती है, फिर सूरज निकलता है, तो यही चल रहा है भाई। ये हमारा प्यारा था गुलशन, और ट्रैफिक तो सदाबहार है ना कराची। ये हमारे प्यारे थे असद भाई, देखिए अभी 2 मिनट पहले बारिश हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त अंधेरे वाली बारिश, अभी फिर बारिश ख़त्म, धूप आ गई, अब फिर हम सामने कुर्सी पर जाके बैठ जाएंगे, फिर बारिश शुरू होगी, फिर हम यहाँ शेड के नीचे आगे बढ़ जाएंगे। एक तो कराची माशाल्लाह इतना बड़ा है, बादल भी थक जाते हैं, कहाँ कहाँ जाके बढ़ते हैं, घूम घूम के बरस रहे होते हैं। बारिश में गीले होते हैं, फिर धूप आ जाती है, फिर धूप में कपड़े थोड़े से सूखते हैं, फिर बारिश हो जाती है, तो यही चलता रहता है, और इन्हीं चक्करों की वजह से हम तो घनचक्कर हो चुके हैं। आज हमारे कबूतर फाइनली हमारे चाचा के हैंडओवर हो गए वापस, तो इतने आज हम कबूतरों को दाना पानी डालने नहीं गए। देखते हैं, मूंछों के बाल भी बहुत तंग करते हैं यार, देखो बार बार खड़े हो जाते हैं, फिर नीचे भी टॉप फिर खड़े हो जाते हैं। तो जी इतने आज हम अपने कबूतरों को दाना पानी डालने नहीं गए, आज हमारे चाचा ने ही देखा दाना पानी, तो हमने सोचा जी क्या करें, टाइम बहुत है, हमने आज देख ली एक फिल्म, लेकिन वो हम पूरी नहीं कर सके क्योंकि फिल्म बहुत लंबी थी, हमने आधी देखी, आधी हम कल देखेंगे, फिर बताएंगे कि कैसी फिल्म थी और उसमें क्या चल रहा था। आज का सीन ये है जी, हमारी बेगम हो गई हमारे से नाराज़, क्यों हो गई, इसकी कोई वजह तो है ही नहीं, क्योंकि बेगमों का काम होता है नाराज़ होना, तो इसी वजह से बस ऐसी हमारी बेगम भी नाराज़ होकर बैठ गई, और हम काफ़ी देर से कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे उन्हें मनाएं, लेकिन वो कहती हैं मैं ना मानूं। तो जी यही चल रहा था, और हमारी बेटी पूरी कोशिश करते हुए कि किसी तरीके से कैमरे में आ जाए, अभी कैमरे में आके वो अपनी मस्तियाँ दिखाएं। हाँ नज़र लग जाती है। तो जी हमने कर दी काफ़ी कोशिश बेगम को मनाने की, लेकिन बेगम है कि माने ना, तो बस यही चल रहा है, बेगम रूठी हुई है हम मना रहे हैं। हर शादीशुदा फ़र्द ये बात समझ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, कि उसकी ज़िंदगी में रोज़ एक त्यौहार आता है जिसका नाम होता है बेगम, क्योंकि रोज़ उसको मनाना पड़ता है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बेगम को मनाएं, आप लोग भी कोशिश करें अपनी
अपनी बेगम को मनाने की अगर वो रूठ जाती हैं तो, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बेगम को किस तरीके से मनाया जाए, और आपको क्या अगर बेगम रूठ जाती है तो आप किस किस तरीके से बेगम को मनाते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि ऐसा क्या किया जाए कि बेगम ना रूठे। वैसे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि बेगम का काम है रूठना, और वो तो कभी भी किसी भी बात पर भी रूठ जाती है। बट हर किसी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई ना कोई क्या होता है, कोई ना कोई कुछ भी होता है। खैर नहीं आयशा तो जी आज का व्लॉग इतना सही था, छोटा सही था, क्योंकि हम आज पूरे टाइम अपनी बेगम को मनाने में लगे हुए हैं और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी मजबूरी को समझिए, इस व्लॉग को एंजॉय करिए, कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।